इस्माइल श्राफ ने साल 1977 में मूवी अगर इफ से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालकर, जरीना वहाब, कादर खान, विजेंद्र खाटके और कैस्ट्रो मुखर्जी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1980 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई थोड़ी सी बेवफाई। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, शबाना आजमी, ए के हंगल, दीना पाठक और लीला मिश्रा शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1981 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई बुलंदी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, आशा पारेख, कादर खान, डैनी और कुलभूषण खरबंदा शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,10,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,20,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1981 में ही एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई आहिस्ता आहिस्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में परवीन बॉबी, सुरेश चटवाल, शशि कला, शमी कपूर, पद्मनी कोहलापुरे, अरुणा ईरानी और कादर खान शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1982 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई दिल आखिर दिल है। इस मूवी के लीड कास्ट में राखी गुलजार, परवीन बॉबी, नसीरुद्दीन शाह, जलाल आगा और रहमान खान शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1984 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई झूठा सच। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रेखा, असरानी, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी और प्रेमा नारायण शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1985 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई पिघलता आसमान। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, राखी गुलजार, रति अग्निहोत्री, सुषमा सेठ, देवेंद्र वर्मा और ए के हंगल शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1986 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई लव 86। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, नीलम कोठारी, रोहन कपूर, फरहा नाज, तनुजा और शफी इनामदार शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 80,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,55,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,85,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1989 में एज ए डायरेक्टर इनकी मूवी आई सूर्या एन अवेकनिंग। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, विनोद खन्ना, राज बब्बर, भानु प्रिया, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1990 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई पुलिस पब्लिक। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, राज किरण, पूनम ढिल्लो, प्रेम चोपड़ा और तेज सपरू शामिल थे। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,70,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1992 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई निश्चय। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, करिश्मा कपूर, विनोद खन्ना, सोनू वालिया, राजीव वर्मा और रीमा लागू शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,85,00,000 था।
अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1994 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई जिद। इस मूवी के लीड कास्ट में जया मेहता, रागेश्वरी, माला सिन्हा, राजीव वर्मा और राकेश बेदी शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 75 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 42 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 56 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1995 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई गॉड एंड गन। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, राज बब्बर, जैकी श्रॉफ, गौतमी, प्रेम चोपड़ा और अवतार गिल शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 25 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 86 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ 64 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1996 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई ये मजधार। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, मनीषा कोइराला, राहुल राय, राजीव वर्मा और राज बब्बर शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 30 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 49 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2000 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई तरकीब। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, तब्बू, शिल्पा शेट्टी, आदित्य पंचोली, आशुतोष राणा और मिलिंद सोमन शामिल थे। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 29 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7 करोड़ 57 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2004 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम। इस मूवी के लीड कास्ट में आर्य बब्बर, श्रिया सरन, शोमा आनंद, असरानी और अनिल धवन शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 40 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 56 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको इस्माइल श्रॉफ की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। इस्माइल श्रॉफ की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।